हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटब। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर के एक नए कंसेप्ट के बारे में। ऑलरेडी स्ट्रक्चर्स के इंट्रोडक्शन और उस पर थोड़ी सी प्रोग्रामिंग हमने कर ली है, और आज जो हम जानने वाले हैं वो ये जानने वाले हैं कि अगर आपको स्ट्रक्चर को एज अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट भेजना हो तो आप कैसे भेजेंगे। मतलब जैसे अभी तक आपने फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स के रूप में इंटीजर वैल्यू को पास किया है, आपने फ्लोट वैल्यू को पास किया है, कैरेक्टर वैल्यू को पास किया है, एरे को पास किया है, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपको एज अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट स्ट्रक्चर ही भेज देना है तो आप कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम कंसेप्ट करने वाले हैं वो कंसेप्ट ये है कि सपोज कीजिए, जैसे अभी तक हम फंक्शन बनाते थे तो मान लीजिए हम रिटर्न टाइप देते थे void, ठीक है, और यहां करते थे add, और अगर आर्ग्यूमेंट पास करना होता था तो हम यहाँ क्या करते थे, आर्ग्यूमेंट का डेटा टाइप क्या करते थे, प्रोवाइड करते थे। यही हमारा क्या कहलाता है, आर्ग्यूमेंट कहलाता है। यानी कि हम क्या दे रहे हैं, आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं अपने फंक्शन को। तो ये जो टाइप्स हैं इनको कहते हैं बिल्ट इन टाइप्स, यानी कि पहले से बने हुए हैं ये। मतलब क्या हुआ कि ये वैसे डेटा टाइप्स हैं जो पहले से बना के रखे हुए हैं। और ऑलरेडी अगर आप मेरी सारी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि स्ट्रक्चर जो है वो क्या है। तो स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का मतलब क्या हुआ कि हम इसको खुद से बनाते हैं और इसमें जो भी चीज स्टोर होगा वो हमारी मर्जी से होगा, हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो मान लीजिए मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूं, सपोज कीजिए मैं एक बनाता हूं स्ट्रक्चर स्ट्रक्ट नाम से, और स्ट्रक्चर के नाम मैं देता हूं क्या, एम्प्लॉई, राइट। अब इसके अंदर आप जो भी डालना चाहे, मान लीजिए इंटीजर टाइप आप क्या डालते हैं, कोड डालते हैं, ठीक है, फिर आप कैरेक्टर टाइप क्या डालते हैं, नेम डालते हैं, राइट। और नेम की कैपेसिटी मान लीजिए आप 50 कैरेक्टर्स का दे देते हैं। उसके बाद आप मान लीजिए फ्लोट टाइप क्या डाल देते हैं, सैलरी डालते हैं। ये तीन चीजें आप डालते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे इसको बंद कर लेते हैं, और यहीं पे बंद करते ही आपने एक डबल ए नाम का वेरिएबल मान लिया। तो ये डबल ए जो है वो वेरिएबल किस टाइप का होगा, इस स्ट्रक्चर टाइप का होगा। और इस एक डबल ए में कितने सारे वेरिएबल्स होंगे, तो इंटीजर टाइप का कोड होगा। तो यहाँ पे कोड नाम के लिए लोकेशन बनेगा जो इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेगा। फिर नेम 50, तो नेम टाइप का क्या बनेगा, एक एरे बनेगा जिसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 50 कैरेक्टर्स की होगी। इंडेक्सिंग ऑब्वियस ही बात है, जीरो से स्टार्ट होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 करते हुए कहां तक जाएगी, 49 तक जाएगी, ठीक है। और एक फ्लॉट टाइप की क्या होगी, सैलरी होगी। मतलब इसे एक डबल ए के अंदर इतनी सारी चीजें क्या होंगी, मौजूद होंगी। और ये जो हमने बनाया वो अपनी मर्जी से बनाया, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कहते हैं। थोड़ा सा रिकैप भी कर रहा हूं मैं, इंटीजर कितने बाइट्स लेगा, 2 बाइट्स लेगा, एक कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, इसीलिए 50 कैरेक्टर्स कितने बाइट लेगा, 50 बाइट्स लेगा। और फ्लोट सैलरी यानी सैलरी जो है फ्लोट टाइप का है तो फ्लोट लेता है 4 बाइट्स। मतलब अगर इन सबको जोड़े तो हो जाता है 56 बाइट। मतलब क्या हुआ कि एक ऑब्जेक्ट जब आप बनाएंगे, मतलब ऑब्जेक्ट मतलब वेरिएबल, इस स्ट्रक्चर का, इस स्ट्रक्चर यानी कि स्ट्रक्ट एम्प्लॉय टाइप का, जब आप एक वेरिएबल बनाते हैं डबल ए, तो इस डबल ए की जो कैपेसिटी होगी वो कितने बाइट्स की होगी, 56 बाइट्स की होगी। तो हम आज जो करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि जो हम यहाँ पे इंट इंट पास करते थे, फ्लोट पास करते थे, कैर पास करते थे, अब हमें क्या पास करना है, तो हमें इस स्ट्रक्चर की एक वेरिएबल को पास करना है। तो हम क्या लिखेंगे, बस ध्यान दीजिए, थोड़ा सा लिखने का तरीका बदल जाएगा। मान लीजिए फंक्शन का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं देता हूं क्या, void, और फंक्शन का नाम मैं देता हूं सपोज कीजिए डिस्प्ले, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या पास कर दूंगा, तो मैं बोलूंगा कि मैं स्ट्रक्चर टाइप, कौन सा स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्ट एम्प्लॉय टाइप का क्या करूंगा, एक वैल्यू वेरिएबल क्या करूंगा, पास करूंगा। तो ये मेरा हो जाएगा क्या, प्रोटोटाइप, ठीक है। फंक्शन में प्रोटोटाइप क्या होता है आप जानते हैं ऑलरेडी, मैं प्रीवियस वीडियोस में जब फंक्शन पढ़ाया था मैंने उस समय आपको हर चीज क्लियर की हुई है। तो यहाँ पे जब मैं ये बता दूंगा कि मैं स्ट्रक्चर टाइप का, मतलब स्ट्रक्ट एम्प्लॉय टाइप का एक वेरिएबल भेजूंगा, तो जैसे यहाँ पे जब ये आप एड फंक्शन कॉल करते हैं तो आपको क्या करना पड़ता था, वैल्यूज को पास करना पड़ता था। आपने कहा था यहाँ 2 इंटीजर पास करोगे, तो आपने यहाँ से 5 और 6 पास किया कॉल करते समय। वैसे ही अब जब इस फंक्शन को कॉल करोगे, मतलब डिस्प्ले फंक्शन को जब आप कॉल करोगे, तो डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करते समय अब आपकी मजबूरी है कि आपको एक स्ट्रक्ट एम्प्लॉय टाइप का वेरिएबल पास करना पड़ेगा जो डबल ए है। यहाँ पे हम क्या पास कर देंगे, डबल ए को पास कर देंगे, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, फंक्शन की कॉलिंग हो जाएगी। तो यही कंसेप्ट है हमारा स्ट्रक्चर एज फंक्शन आर्ग्यूमेंट का। चलिए एक प्रोग्राम के जरिए करके देखते हैं। तो एक बहुत छोटा सा प्रोग्राम लेते हैं, और वो प्रोग्राम बेसिकली
सपोज कीजिए अगर आपने स्ट्रक्चर इंप्लॉय टाइप का बनाया है, तो वो उस इंप्लॉय टाइप के स्ट्रक्चर को क्या करेगा, उसके वैल्यूज को रीड करेगा और उसे क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। बस इतना ही हम बनाएंगे, ज्यादा बड़ा प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे। आप चाहें तो कितने भी फंक्शंस बना सकते हैं, मुझे बस आपको कंसेप्ट बताना है। इस कंसेप्ट को आप एन नंबर ऑफ प्रोग्राम्स के लिए क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अगर हम प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे, तो ऑब्वियस ही बात है सबसे पहला मेरा जो लाइन होगा वो क्या होगा, हैश इंक्लूड std.io.h, राइट। फिर क्या होगा, हम यहाँ पे अगर फंक्शन बनाना चाहते हैं तो हमें फंक्शन का प्रोटोटाइप देना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैं देता हूँ क्या, void, और फंक्शन का नाम मैं जो दूंगा वो क्या दूंगा, डिस्प्ले दूंगा। अब एक चीज देखिए, अगर हाँ ये चीज आ गया तो अच्छी बात है, क्योंकि अब आप समझ पाएंगे। अगर मैं यहाँ कहता हूँ क्या कि मैं यहाँ पे struct employee type का एक वेरिएबल भेजूंगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ बोलता हूँ कि struct employee type का वेरिएबल भेजूंगा, यहाँ पे अगर मैं बोल देता हूँ, तो यहाँ पे बोलने से ये क्या, इसके पहले इसको कुछ मिल रहा है कि struct employee type का कोई चीज है भी, एग्जिस्ट भी करता है, नहीं, इसे यहाँ पे वो चीज नहीं मिल रही है। तो हम क्या करेंगे, देखिए प्रोग्राम आपका होना चाहिए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि हाँ हमारा प्रोग्राम डेफिनेटली बिना किसी एरर क्या होने वाला है, सॉल्व होने वाला है। हम क्या करेंगे, क्यों ना पहले हम स्ट्रक्चर बना लें, और फिर जब उस स्ट्रक्चर को बना लेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके वेरिएबल को मतलब उसे एज अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट क्या कर देंगे, पास कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम मेरे हिसाब से, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रोग्राम आप इस तरीके से लिखिए कि किसी भी तरह का एरर ना आए। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको क्या बनाना चाहिए, स्ट्रक्चर बनाना चाहिए इसके ठीक नीचे। तो मान लीजिए स्ट्रक्ट, और स्ट्रक्चर का नाम आप देते हैं एम्प्लॉय, और इसके अंदर वही तीन वेरिएबल इंटीजर टाइप का कोड, यानी कि एम्प्लॉय का क्या कोड होगा, फिर कैरेक्टर टाइप का नेम, यानी कि हमारा जो है वो उस एम्प्लॉय का क्या नेम होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हम देंगे क्या, फ्लोट टाइप की सैलरी, मतलब उस एम्प्लॉय की क्या सैलरी है, ठीक है, परफेक्ट। ये तीन चीज हो गया। अगर हम चाहें तो वेरिएबल यहीं पे डिसाइड कर सकते हैं, लीजिए। अब यहाँ पे क्या फर्क पड़ा कि ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, एक ग्लोबल स्ट्रक्चर हो गया। ग्लोबल का मतलब होता है कि ये स्ट्रक्चर जो है वो किसी भी मतलब किसी भी फंक्शन में आप इसको यूज कर पाएंगे। इवन ये वेरिएबल भी जो है वो क्या बन गया, एक ग्लोबल वेरिएबल बन गया, जिसकी वजह से इस वेरिएबल को भी आप किसी भी फंक्शन में बड़ी आसानी से क्या कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे। तो हमारा प्रोग्राम देखिए, अगर इसको मैंने क्या बना दिया, ग्लोबल, तो ग्लोबल बनाने से क्या होगा, हर जगह यूज हो जाएगा, तो हमें कंसेप्ट समझ में नहीं आ पाएगा। इसीलिए यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे इस फंक्शन को डिक्लेयर, सॉरी इस वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करेंगे, हम इसे करेंगे हाँ अपने मेन फंक्शन के अंदर, ठीक है। करना चाहते तो यहां पे भी कर सकते हैं, डोंट वरी, ठीक है। अब आइए, अब हम फंक्शन लिख सकते हैं। मान लीजिए void of function का नाम हम क्या देते हैं, display, ठीक है। और ये फंक्शन में क्या हम बोलेंगे, तो हम बोलेंगे कि हम struct employee type का क्या करेंगे, एक वेरिएबल पास करेंगे। ये हो गया मेरा फंक्शन का प्रोटोटाइप, और ठीक इसके नीचे हमने क्या शुरू कर दिया, int main। देखिए void main बेसिकली होता क्या है कि बहुत सारे कॉलेज में बहुत जगहों पर जो है वो void main पढ़ाया जाता है, बट सी के स्टैंडर्ड को फॉलो कीजिए, कभी भी void main मत यूज कीजिए, int main यूज कीजिए, यही होता है सी का स्टैंडर्ड, ठीक है। अब आइए, आपने int main तो डाल दिया, ठीक है। int main डालने के बाद अब हम अपना कोड लिखना शुरू करते हैं, और कोड में जो हमारा सबसे पहला लाइन होगा वो क्या होगा, तो सबसे पहले हम इस स्ट्रक्चर टाइप का, यानी struct employee टाइप का क्या बनाएंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, और मान लीजिए उस वेरिएबल का नाम हम क्या देते हैं, डबल ए देते हैं। अब डबल ए ही नाम हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, नाम आप पर डिपेंड करता है पूरी तरह से कि आप कौन सा नाम देना चाहते हैं, आप नॉर्मल ए बी सी डी भी नाम दे सकते हैं। अब ये डबल ए मानने के बाद हमारा काम क्या है कि इन सारे कंटेंट को, इन सारे एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, रीड करेंगे। तो हम यहाँ क्या प्रिंट करेंगे स्क्रीन पे, सबसे पहले तो हम प्रिंट करेंगे प्रिंट स्लैश एन एंटर एम्प्लॉय कोड, यानी क्या दीजिए, एम्प्लॉय कोड दीजिए, ठीक है। और इस एम्प्लॉय कोड को हम कहाँ रीड कर लेंगे, तो ऑब्वियस ही बात है आपको पता है कहाँ रीड करना है, तो हम यहाँ रीड कर लेंगे कहाँ, स्कैनफ, ठीक है, परसेंट डी यानी इंटीजर वैल्यू में, कॉमा किस में, तो वेरिएबल का नाम डबल ए है ना, तो हम क्या करेंगे डबल ए डॉट किस सेक्शन में, कोड वाले सेक्शन में क्या कर लीजिए, रीड कर लीजिए। आपको हालांकि ऑलरेडी पता होगा, अगर आपने बेसिक्स पढ़ी है तो आपको पता होगा कि इस डबल ए के अंदर बहुत सारी चीजें बनी, जिसमें हमारा कोड भी बना, ठीक है, जिसमें हमारा नेम बना, ठीक है, और जिसमें हमारा क्या बना, सैलरी सेक्शन भी बना, मतलब इस डबल ए के अंदर तीन चीजें हैं। तो इन तीन चीजों के लिए सबसे पहली चीज हमने पूछ लिया यहाँ पे कि एंटर एम्प्लॉय कोड, और उसको डबल ए डॉट कोड में रीड कर लिया। तो मान लीजिए कोड में किसी ने क्या दिया, 01 दिया। अब फिर क्या पूछेंगे, कॉमन सी बात है, तो हम यहाँ प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ स्लैश एन एंटर एम्प्लॉय नेम, यानी कि एम्प्लॉय का नाम दीजिए, ठीक है, एम्प्लॉय
नेम। अब इस नेम को हमें रीड करना होगा, कहां रीड कर लेंगे, तो गेट्स के जरिए रीड कर लेते हैं। गेट्स किस में रीड कर लीजिए बताइए, तो हम यहां कहेंगे डबल ए डॉट, कौन सा सेक्शन है, नेम का सेक्शन, तो हम यहां कहां रीड कर लेंगे, नेम में रीड कर लेंगे। तो मान लीजिए नेम में किसी ने क्या दिया, राम दिया, ठीक है। अब यहां पे देखिए हमने क्या रीड कर लिया, एम्प्लॉय का कोड रीड कर लिया, एम्प्लॉय का नेम रीड कर लिया। अब एक चीज बचता है एम्प्लॉय की, क्या, सैलरी, तो वो भी हम यहाँ रीड कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ क्या करते हैं, हम रीड कर लेते हैं, प्रिंट करते हैं स्क्रीन पे, क्या करते हैं, प्रिंट एंटर सैलरी, यानी क्या दीजिए, सैलरी दीजिए। अब इस सैलरी को रीड कर लेंगे कहां पे, तो उसको रीड कर लेंगे scanf राइट परसेंट f, क्योंकि ये किस टाइप की वैल्यू है, देखिए ये फ्लॉट टाइप की वैल्यू है। और उसको कहां रीड कर लेंगे, तो एम्परसेंट डबल ए डॉट किस सेक्शन में, सैलरी सेक्शन में क्या कर लेंगे, रीड कर लेंगे। ये हो गया मेरा, तीनों चीज हमने क्या कर लिया, बारी बारी से रीड कर लिया। तो मान लीजिए सैलरी में ये क्या देता है, 50,000 जो है वो देता है, तो वैल्यू बन जाएगी 50,000.00, क्योंकि फ्लॉट है। हालांकि एग्जैक्टली चूंकि ये फ्लॉट है, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 6 प्लेसेस तक वैल्यू शो होती है, ये याद रखिएगा, फ्लॉट में डेसिमल के बाद 6 प्लेसेस तक वैल्यू क्या होती है, डिस्प्ले होती है, ठीक है। अब इन चीजों को हमें डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले हम नॉर्मली नहीं करेंगे, क्योंकि उसी के लिए तो हमने यहाँ फंक्शन बनाया है डिस्प्ले। अगर नॉर्मली डिस्प्ले कर देंगे तो फिर फंक्शन काम ही खत्म हो जाएगा। तो हम अब क्या करेंगे, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे और इस डबल ए को क्या कर देंगे, पास कर देंगे। अब आपको पता है जैसे ही कोई फंक्शन कॉल होता है सीधे अपने डेफिनेशन पे आता है, राइट, अपने डेफिनेशन पे आया, तो देखा कि ये मेरा प्रोटोटाइप है, तो इसी को डेफिनेशन में कन्वर्ट करना होता है। तो void return type है, राइट, फंक्शन का नाम क्या है, डिस्प्ले, और हमारे पास जो आ रहा है वो struct employ टाइप का क्या आ रहा है, सपोज कीजिए वेरिएबल डबल ए आ रहा है। मतलब क्या हुआ कि ये वेरिएबल जो मैंने डबल ए यहां माना है ना, ये डबल ए वेरिएबल जरूरी नहीं कि यहाँ पे जो नाम है वही होगा, यहाँ पे आप जो भी नाम देना चाहे, एक्स वाई जेड कुछ भी दे सकते हैं, जो नाम यहां दीजिएगा वही आगे अब अपने इस स्कोप के अंदर, मतलब इस फंक्शन के अंदर क्या कीजिएगा, यूज कीजिएगा, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि मुझे अब सारी चीजों को डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले करना बड़ा आसान है, क्या कर दीजिए, यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट डाल दीजिए कि printf स्लैश n, सबसे पहले क्या है कोड, तो हम यहां लिखते हैं क्या, कोड इक्वल टू परसेंट व्हाट, ये इंटीजर वैल्यू है ना, तो क्या हो जाएगा परसेंट d कॉमा डबल ए डॉट किस सेक्शन को, कोड वाले सेक्शन को क्या कर दो, प्रिंट कर दो। तो यहाँ डबल ए हमने लिखा क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिया है, डबल ए लिया है। अगर मैं इसको मिटा दूं, सपोज कीजिए मैं इसको कर देता हूं क्या, x, राइट, तो मैं यहां क्या लिखूंगा, मैं यहां लिखूंगा एक्स डॉट कोड, क्यों, क्योंकि आपका डबल ए में जो भी वैल्यू था वो कॉपी होकर कहां आ गया है, एक्स में आ गया है। तो ये डबल ए ही जो है इसकी कॉपी जो है वो एक्स में है, तो अब हर चीज एक्स से डिनोट की जाएगी। ये मैंने इसलिए बताया ताकि आप ये ध्यान में रखिए कि यहां दिया गया नाम जरूरी नहीं है कि आप यहां पे भी इसको क्या करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे, ठीक है। उसी तरह हम यहां पे आप क्या प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एफ नेम है ना, तो क्या कर देंगे स्लैश एन नेम इक्वल टू व्हाट, परसेंट एस और कॉमा क्या, एक्स डॉट कौन सा सेक्शन, तो एक्स का नेम सेक्शन। वैसे ही हम क्या फिर प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एफ स्लैश एन सैलरी इक्वल टू व्हाट, परसेंट एफ और एक्स डॉट क्या, सैलरी सेक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एक एक करके तीनों चीजों को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। तो जब कोई भी फंक्शन क्या होता है, कॉल होता है, सीधे अपने डेफिनेशन के पास आता है, अपने डेफिनेशन के अंदर की चीजें वो वन बाय वन ये क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, और जैसे ही ये फंक्शन खत्म होगा फिर से उसी जगह जाता है जहां से इसको कॉल किया गया था। यही होता है इंटरनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही कॉल हुआ आपका कंपाइलर का जो मतलब जो प्रोग्राम रन कर रहा है वो सीधे इसके डेफिनेशन में आएगा, इसके अंदर के स्टेटमेंट को वन बाय वन क्या करेगा, रीड करेगा, फिर यहां से वो क्या जाएगा, वापस जाएगा, वापस जाके आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। तो जरूरी नहीं कि आप कुछ दें, अगर नहीं देंगे तो यहीं पे प्रोग्राम क्या हो जाएगा, मैं खत्म हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ कुछ देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, तो हमने मेन को कहा था कि हम क्या करेंगे कि इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेंगे, तो यहाँ पे हमने क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा कि इंटीजर टाइप का वैल्यू। तो सपोज कीजिए हम क्या रिटर्न करते हैं, रिटर्न जीरो। तो यहाँ पे जब वापस आया, आगे बढ़ा, रिटर्न मिला, प्रोग्राम क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो ये है हमारा एक प्रोग्राम, अगर आप पास करना चाहते हैं स्ट्रक्चर को एज अ क्या, फंक्शन आर्गुमेंट। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।